जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों बिहार बोर्ड एडमिशन 2021 की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है स्पॉट राउंड के रूप में। जिन छात्रों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर, सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर कोई भी कॉलेज नहीं मिला है या फिर कॉलेज मिला था उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वे सभी स्टूडेंट 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं जिस कॉलेज में सीटें खाली रहेगी। तो इसी न्यूज़ को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एडमिशन लेने से पहले जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप बने रहें मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बीएड में स्पॉट एडमिशन 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। पहले यह 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। बीएड कॉलेजों में स्पॉट राउंड में दाखिला 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा। मिथिला विवि ने इसके लिए अधिसूचना जो है जारी कर दी है। मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि कॉलेजों को एडमिशन लेने से पहले स्पॉट राउंड की पूरी जानकारी कॉलेज के बोर्ड पर लगानी होगी। बिहार विश्वविद्यालय में बीएड के 59 कॉलेज हैं, इनमें 6300 सीटें हैं। दूसरी मेगा सूची के बाद भी 35% सीटें खाली रह गई है। मिथिला विवि ने कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे स्पॉट राउंड के दौरान बची सीटों और रोस्टर की पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिस कॉलेज में जितनी सीटें खाली होगी आप उसकी जानकारी जो है पूरी तरह से वायरल करेंगे, यानी कि छात्रों को बताएंगे कि हमारे कॉलेज में इतनी सीटें खाली है। छात्र कॉलेज में खाली सीटों की जानकारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इन्होंने कहा है कि कॉलेज की वेबसाइट पर भी आपको मिल सकता है। स्पॉट राउंड में उन्हीं छात्रों का दाखिला होगा जिन्होंने पहली और दूसरी सूची में दाखिला नहीं लिया है। देखिए पहले और दूसरी सूची में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए छात्रों को पहले से रजिस्ट्रेशन कराया होना चाहिए, यानी कि जो छात्र पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनको मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा इस न्यूज के अकॉर्डिंग। आज 27 अक्टूबर है और आज ये उम्मीद है कि एलएन की वेबसाइट पर जो वैकेंट सीटें हैं कितनी सीटें खाली रह गई है इसकी जानकारी जो है अपलोड कर दी जाएगी। जैसे अपलोड यहाँ पे कर दी जाएगी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक सूचना। देखिए आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आसपास का कॉलेज है, देखिए स्पॉट में मैं आपको प्रेफर करूंगा जो आपके आसपास का कॉलेज हो आप वहीं जाइए। सीटें खाली है, हर जगह सीटें खाली है, बस आप वहाँ पर जाइए और पता कीजिए। और वहाँ पर जब आपको बताया जाएगा कि सीटें खाली है तो आप वहाँ पर फी के बारे में जरूर पता कर लीजिएगा कि मुझे 2 साल में कितना फी जो है पेमेंट करना होगा। 1.5 लाख तो आपका फी ऐसे लगेगा एडमिशन के लिए। अगर कोई कॉलेज कहता है कि नहीं हमारे पास सीटें खाली नहीं है, 15,000 एक्स्ट्रा 20,000 एक्स्ट्रा रुपए दीजिए, तो आप उसको पैसा एक्स्ट्रा मत दीजिए क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना है। अभी भी बहुत ज़्यादा सीटें खाली है बीएड में एडमिशन के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा 1,50,000 उसका फी है। उसके बाद अगर कोई कॉलेज कहता है कि 2 साल में हम अधिक से अधिक 1,60,000 में आपका फाइनल कर देंगे, क्योंकि फॉर्म चार्जेज होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, असाइनमेंट चार्जेस होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, अटेंडेंस चार्जेस बहुत सारे कॉलेज लेते हैं, तो कोई कहता है कि 1,60,000 में फाइनल कर देंगे, 1,65,000 में कर देंगे, 1,70,000 में कर देंगे, तो एक आइडिया आपको लग जाता है। लेकिन कोई कहता है आप पूछते ही नहीं और कहता ही नहीं है तो 1,50,000 में आपका एडमिशन ले लेता है, लेकिन वह 2 लाख तक भी आपको पहुँचा देगा। एक्स्ट्रा आपसे चार्ज लेगा रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फॉर्म के चार्ज पे, एब्सेंट के नाम पे। तो ये चीज़ें पहले से आप क्लियर कर लीजिएगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी पता कर लीजिएगा कि कौन से कॉलेज में कितना परसेंटेज मार्क्स मिलता है। प्रैक्टिकल का जो असाइनमेंट होता है उसका मार्क्स अधिक मिलता है, वहीं यहाँ पे एडमिशन लीजिएगा। मैंने आपको बताया था पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, अगर यहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सजेस्ट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अब आपके पास समय नहीं है, 28 यानी कल से 3 नवंबर का समय है, आपके पास 5 दिन का समय है। बस आप इस बीच में आप जैसे एडमिशन प्रोसेस को पूरा करना चाहते हैं अच्छे तरीके से कीजिए और एडमिशन अपना ले लीजिए ताकि आपका सेशन जो है बर्बाद ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।